सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आज फिर एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज के वीडियो में जो आजकल प्रचलन में एक टर्म है जिसे कहते हैं जेनेटिक बारकोड, हम उसके बारे में जानेंगे। हम बहुत सी वस्तुएं जब खरीदते हैं तो उसके बाहर की ओर हमें कुछ इस तरीके की छोटी बड़ी लाइनें दिखाई देती हैं, ठीक है। इन छोटी बड़ी लाइनों के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके के जो ये नंबर लिखे रहते हैं और इस तरीके की लाइनें होती हैं, इनको बोला जाता है बार कोड। ये किताबों पर भी होती हैं, आप खाद्य सामग्री लेते हैं उस पर भी होती हैं, लगभग हर चीज पे बार कोडिंग होती है। लेकिन आज हम इस बार कोडिंग को पढ़ेंगे, लेकिन इस बार कोडिंग को पढ़ेंगे हम जेनेटिक बेसिस पे, यानी कि आजकल टर्म चल रहा है जेनेटिक बार कोड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जेनेटिक बार कोड है वो बार कोड चर्चा में क्यों है। जेनेटिक बारकोड की मदद से वैज्ञानिकों ने मेंढक की 3 नई प्रजातियां खोजी हैं, तो इसलिए ये चर्चा में आया कि जेनेटिक बारकोड के माध्यम से हम नई प्रजातियों की खोज कर सकते हैं। तो जो मेंढक की जो नई प्रजातियां खोजी गई हैं, उनमें पहली है बांग्लादेशी मुखलेसुर्स नैरो माउथ फ्रॉग, जो मिजोरम में पाई जाती है। दूसरी है नीलफेमरी नैरो माउथ फ्रॉग, जो बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है, और भारत में ये केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तीसरी प्रजाति है माइमेंसिंग नैरो माउथ फ्रॉग, जो भारत के उत्तर पूर्व में पाई जाती है। तो जेनेटिक बारकोड की मदद से 3 प्रजातियां खोजी गई, इसके बाद ये जेनेटिक बारकोड चर्चा में आया। अब बात करते हैं जेनेटिक बारकोड है क्या। जेनेटिक बारकोड डीएनए बारकोडिंग से संबंधित है, जो अज्ञात प्रजातियों की खोज करने, उनके वर्गीकरण करने से संबंधित आवश्यक जानकारियों को जुटाता है या जुटाने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि इस कोडिंग के जरिए जो प्रजातियां अभी तक हमें ज्ञात नहीं है, जिन प्रजातियों के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है, हम उन प्रजातियों की खोज कर सकते हैं और उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक। दूसरा है बार कोड के लिए डीएनए को शॉर्ट सीक्वेंस किया जाता है। अगर हमें बार कोड बनाना है, जैसे अभी हमने कहा छोटी बड़ी लाइनें हैं जिसको बार कोड कहा जाता है, लेकिन जेनेटिक अगर बार कोड हमें बनाना है तो हमें डीएनए को शॉर्ट सीक्वेंस करना होगा जिससे कि बार कोड बनाया जा सके। फिर है आपका जीन के अनुक्रमण, यानी कि जीन की सीक्वेंसिंग का अध्ययन करके उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन की जाती है और उसके बाद कोडिंग तैयार की जाती है, क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो जीन में संरक्षित होती हैं और उन जो जीन होते हैं, जीन को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाते हैं और प्रॉपर सीक्वेंस में बनाने के बाद, स्टडी करने के बाद, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेशन में कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे जेनेटिक बारकोड तैयार हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए एक धागे जैसी घुमावदार सीढ़ीनुमा संरचना होती है और डीएनए प्रत्येक जीव में पाया जाता है और प्रत्येक जीव में इसका अनुक्रमण या सीक्वेंस अलग अलग होता है। इसमें पीढ़ी के लक्षण संरक्षित रहते हैं और यही लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, जो लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। तो इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजेनिक क्षार पाए जाते हैं, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। एडिनिन को कैपिटल लेटर ए से, साइटोसिन को सी से, गुआनिन को जी से और थायमिन को टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होते हैं जेनेटिक बारकोड, जिसमें डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंस किए जाते हैं और उनको एक प्रॉपर फॉर्मेशन पे लगाया जाता है जिससे कोडिंग तैयार होती है, और उस कोडिंग के बेसिस पे हम खोज कर सकते हैं, हम वर्गीकरण कर सकते हैं और एक नई प्रजातियों के विषय में हम जान सकते हैं। आशा है आपके लिए आज का ये छोटा सा वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, जानकारी से भरा होगा, आपको पसंद आएगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले वीडियो में हम अगली चर्चा या अगले विषय या अगली जागरूकता से संबंधित किसी बात को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत बहुत